हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ स्मार्ट वॉच का। तो आप भी सोचे कोई अच्छा सा स्मार्ट वॉच परचेस करने के लिए और आपका बजट अराउंड जो कि 1000 रुपीज़ है, तो ये जो कि मैंने अमेजोन से परचेस किया हुआ 999 रुपीज़ में अमेजोन पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, कोई 1299, कोई 1199, कोई 1399 में सेल कर रहा है। तो जो सेलर से मैंने परचेस किया उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो स्मार्ट वॉच में काफी सारी फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है। जैसे आपने एक्सपेंसिव वॉच देखा रहेगा 2000, 3000, 4000 या 5000 रुपीज़ के करीब, जिसके अंदर आपको नोटिफिकेशन के रिमाइंडर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, वो सारे फीचर्स इसके अंदर है। तो सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का ओवरव्यू दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो सामने आपको स्मार्ट ब्रेसलेट लिखा हुआ है और पीछे साइड में कुछ फंक्शनलिटी बताई गई है। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में अनबॉक्स करते टाइम पे दिखा दूंगा। तो बॉक्स के अंदर आपको जो कि स्मार्ट वॉच, उसके बैंड और जो कि एक यूजर मैनुअल और इसको कैसे यूज करना है वो सारा दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कुछ किस तरह इसे कनेक्ट करना है, वो इंस्ट्रक्शन इधर बताया गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। और इधर आप देख सकते हो जैसे कि यूजर मैनुअल दिया गया है, इसके अंदर बताया गया कि आपको कौन से ऐप से कनेक्ट करना है, तो ऐप भी मैं आपको बता दूंगा कौन से ऐप से आपको कनेक्ट करना है। तो इसे मैं रख देता हूँ साइड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ बैंड की क्वालिटी। बैंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, टोटली ब्लैक कलर में ये बैंड आता है और बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी इस बैंड की बनाई गई है। सामने की ओर से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा, पीछे साइड से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी स्मार्ट वॉच जो लास्ट में 1 वीक से इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसके बाद में जो कि मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ, तो जिससे कि आपको प्रॉपरली डिटेल में बता सकूँ कि 999 रुपीज़ में आपको परचेस करने में फ़ायदा है भी कि नहीं। तो डिज़ाइन की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। इधर आप देख सकते हो साइड से कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिलेगा, राइट साइड से कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और इसके साथ में आपको चार्जर नहीं मिलेगा, आप डायरेक्ट अपने अडेप्टर में जो कि इस तरह लगा देना तो ये हमारा चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि इसका डिस्प्ले TFT डिस्प्ले, तो इधर मैं आपको, तो चलो मैं बैंड को जो कि कनेक्ट कर लेता हूँ। तो कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। इधर आप देख सकते हो ये जो इंचेस दिख रहे हैं इसके अंदर आपको प्रेस करके लगा देना है। तो थोड़ा सा आपको प्रेशर डालना है, ये ऑटोमेटिकली जो कि अंदर के साइड चले जाएगा। तो देख सकते हो जैसे कि बैंड को मैंने कनेक्ट कर लिया है और बैक साइड से आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। ये है हमारा हार्ट रेट सेंसर। तो जब भी हम हार्ट रेट मेजर करना चाहते हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और हमें बता देता है पर मिनट पर आपका कितना हार्ट बीट कैलकुलेट हो रहा है। तो आपको साइड में कहीं भी बटन देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो इधर आपको सर्कल कलर का एक बटन देखने को मिलेगा, जो कि ये बटन नहीं, एक टच सेंसर है। इसको आपको प्रेस करके रखना जो कि आपका बैंड पावर ऑन हो जाएगा। तो इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। सो आप देख सकते हो जैसे कि मैंने इसे पावर ऑन कर लिया तो कुछ इस टाइप का आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा, ये टोटली TFT डिस्प्ले। और इधर आपको टच करने पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी की ओर आप मूव हो जाओगे, जैसे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड की। तो इसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाता है, आप कितने स्टेप दिन में चले हो, किलोमीटर आपने कंप्लीट किया हुआ, कितने कैलोरी आपकी बर्न हुई, वो भी आपको देखने को मिलेगा। इधर आपको हार्ट रेट के ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। इधर आपको स्पोर्ट्स मोड के अंदर जैसे कि जिम वगैरह जाते हो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और मैसेज के अंदर आपको सारे मैसेज देखने को मिलेंगे, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, कोई भी नॉर्मल मैसेज आता है तो वो सारे आप इसके अंदर सिंक कर सकते हो। अब ये सिंक कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इधर आप देख सकते हो आगे आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब जैसे कि कोई भी फंक्शनैलिटी के अंदर आपको जाना है तो वो कैसे जा सकते हो, जैसे हमें सेटिंग के अंदर जाना है तो इधर आपको प्रेस करते रहना है। बाद में फिर आप देख सकते हो इधर लॉन्ग प्रेस करके लिखा हुआ, तो इसके टच सेंसर पे आपको लॉन्ग प्रेस करना, तो आप देख सकते हो। स्लिप मोड करना तो वो भी आप एक्टिवेट कर सकते हो, वेदर क्या चल रहा है वो भी आप देख सकते हो। इधर म्यूजिक को ऑन ऑफ करना तो इधर लॉन्ग प्रेस करना, आपके मोबाइल में जो कि म्यूजिक ऑन ऑफ हो जाएगा। अब इसको कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्ट करना बहुत ही सिंपल है। आपको बगल में मेरा मोबाइल स्क्रीन दिखता रहेगा, तो हायर फाइन करके आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि आपको अपने एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको कॉर्नर पर दिखेगा कनेक्ट वाला ऑप्शन, जैसे कि बैंड को कनेक्ट करने के लिए, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इधर जैसे कि आपको है ना अपने बैंड के अंदर सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आना है। सेटिंग के अंदर ऑप्शन के अंदर आने के बाद में आपको जो कि ये प्रेस करते जाना है। ये प्रेस करते जाओगे आपको बार कोड का ऑप्शन आएगा, इस बार कोड को आपको स्कैन कर लेना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे आप स्कैन करोगे तो जितना भी डेटा आपके जो कि वॉच के अंदर रहेगा, कितने स्टेप आप चले हो, कितना कैलोरी बर्न हुआ है और जो कि वेदर क्या, वो सारा सिंक हो जाएगा और अपने एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएगा। और जैसे कनेक्ट करने के बाद में फिर आपके जो भी व्हाट्सअप के रिमाइंडर हो गए, फेसबुक के रिमाइंडर हो गए, नोटिफिकेशन हो गए, मैसेज हो गए, वो सारे आप जो कि कनेक्ट कर सकते हो अपने एप्लीकेशन और बैंड के बीच में। और ये कनेक्टिविटी हमारे ब्लूटूथ के थ्रू होगी, तो आप ये चीज़ आपको याद रखना है, अपने मोबाइल के अंदर आपको ब्लूटूथ ऑन करना है, इसके बाद में फिर इसे स्कैन करना है। अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में। जैसे कि लास्ट में 1 वीक से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यू जो कि है ना इसमें नोटिफिकेशन वगैरह सब मैंने ऑन रखा था और एक्सरसाइज वगैरह भी करता था, जो कि इसको यूज़ करता था, इसके अंदर ही मैं जो कि अलार्म क्लॉक वगैरह सेट करता था। तो करीबन जो कि 4 दिन इसकी बैटरी लाइफ कंप्लीट चलती है, इसके बाद में इसकी बैटरी डाउन हो जाती है। तो आपको 4 दिन की इसकी बैटरी लाइफ इस बैंड के अंदर देखने को मिलेगी, इसके बाद में फिर इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी। चार्जिंग टाइम की बात करें तो करीबन है ना 2 आवर लेता है कंप्लीट ये बैंड चार्ज होने में। तो आप अपने कोई भी 5 वोल्ट के अडेप्टर में कनेक्ट करके इसे चार्ज कर सकते हो। फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं है, आप फास्ट चार्ज के अंदर भी लगाओगे तो भी 2 आवर लगेगा, और नॉर्मल अडेप्टर जो कि 5 वोल्ट वाला
के अंदर लगाओगे तो भी 2 आवर इस बैंड को कंप्लीट चार्ज होने में लगेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी जो कि आपको TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले, आप बाहर भी जा रहे हो धूप वगैरह में तो भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। और इसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, कॉल रिमाइंडर हो गया, मैसेज हो गया, अलार्म क्लॉक हो गया, ट्विटर हो गया, और जैसे कि वेदर और फेसबुक, और दूसरे फीचर हो गए हमारे हार्ट रेट के, ब्लड प्रेशर के, स्लिप मॉनिटर, स्लिप काउंट और आपके कैलोरी डिस्टेंस, ये सारे फीचर्स इस वॉच के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अब मैंने इस वॉच के बारे में आपको डिटेल में बता दिया, कुछ भी चीज़ मैं भूल गया हूँ तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आपका बजट अराउंड जो कि 1000 रुपीज़ के करीब है तो आप ये वॉच परचेस कर सकते हो, और आपका बजट जो कि इससे ज़्यादा है तो इससे जो कि लेटेस्ट लेटेस्ट वॉच है उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और ये अमेजोन से मैंने 999 रुपीज़ में परचेस किया हुआ है, और अमेजोन पर जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेलर है, कोई है ना कोई 1299, कोई 799, कोई 1399 में सेल कर रहा, तो जो सेलर से मैंने परचेस किया उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जैसे कि वीडियो आप 2022 या फिर 2023 में देख रहे हो, तो हर 6 मंथ में हमारे वॉच अपडेट होते रहते हैं, तो जो लेटेस्ट वाले वॉच रहेगी उनके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।